प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका आज की क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 15.1 धारिता। तो हम आज की क्लास में 15.1 के सवाल समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 5 गणित में प्रश्नावली 15.1 धारिता, इसमें पहला सवाल है, राधा 500 मिली, 200 मिली तथा 100 मिली के तीन पात्रों को पानी में भरकर थर्मस में डालती है, तो थर्मस ठीक आधा भर जाता है, थर्मस की धारिता ज्ञात कीजिए। तीन पात्रों को भर करके वो पानी के पूरे भर करके थर्मस में डालती है, थर्मस जिससे कहां तक भर जाता है, आधा भर जाता है। तो आपको थर्मस की धारिता ज्ञात करनी है, तीन थर्मस पूरा कब भरेगा तो आपको बताना है। तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं, हल करते हैं। देखिए, 500 मिली, ये सारे मिली में है, 500, 200 और 100, इन तीनों को जोड़ देंगे, 0, 0, 5 और 2, 7 और 1, 8, कितना है, 800 मिली। ये इतना यदि हम पानी भरते हैं तो थर्मस कितना भरता है, आधा भरता है। तो थर्मस की धारिता हम ज्ञात करेंगे, थर्मस की धारिता। अब आधा भर गया है, पूरा बना है तो यानी उसका डबल करना है, या उसको दो बार जोड़ दो या दो से गुणा कर लो, जैसा भी आपको उचित लगे। 800 का गुणा दो से कर दो, या 800 800 को दो बार जोड़ दो। दो का गुणा जीरो से करेंगे जीरो, दो का जीरो से करेंगे जीरो, दो का आठ से करेंगे दो, अठा 16, 1600 मिली। अतः थर्मस की धारिता 1600 मिली, मिली को मिलीलीटर भी कहते हैं, मिली लीटर है। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये था पहला सवाल, इसमें हमें थर्मस की धारिता ज्ञात करनी थी। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है, ऐसे 8 कैनों में केरोसिन की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। एक कैन में 3 लीटर आता है तो आपको 8 कैनों में कितना केरोसिन आता है, ये हमें ज्ञात करना है। हम इसे हल कर लेते हैं। एक कैन में कितना आता है, 3 लीटर, 8 कैनों में कितना आएगा, 8 से गुणा कर देंगे, 8 * 3 = 24, 24 लीटर। तो गुणा कर देंगे 3 * 8 से, एक में 3 लीटर आता है तो 8 कैनों में कितना आएगा, 24 लीटर हम लिख सकते हैं। अतः 8 कैनों में 24 लीटर केरोसिन आएगा। यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 8 कैनों में कितने लीटर होगा, 24 लीटर। ये था सवाल नंबर 2, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3, 10 लीटर दूध की मात्रा में से 250 मिली दूध की कितनी थैली पैक की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, 10 लीटर दूध से आपको 250 मिली दूध की थैली पैक करनी है, तो कितनी थैली पैक की जा सकती है यह हमें ज्ञात करना है। चलिए हम हल कर लेते हैं। देखिए, ये 10 लीटर है और ये मिली है, तो आप इस लीटर को मिली में बदलोगे, 10 लीटर बराबर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 10 का गुणा हम 1000 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 10000 मिली, 10000 मिली, मिली को मिलीलीटर भी कहते हैं, ध्यान रखना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 10 लीटर में 10000 मिलीलीटर होगा।
अब 10,000 मिलीलीटर से दूध की कितनी थैली पी की जा सकती है? तो थैलियों की संख्या, थैलियों की संख्या। तो आपको क्या ज्ञात करना है? कुल दूध की मात्रा, कुल दूध की मात्रा बटा एक थैली दूध की मात्रा, यानी एक थैली में कितने लीटर, कितना दूध आता है और कुल कितना दूध है। तो कुल दूध में एक थैली में जो दूध आता है 250 मिली, इसका हम भाग दे देंगे। कुल मात्रा कितनी हो गई, क्योंकि दोनों मिली में होने चाहिए, 10,000 मिली, उसमें भाग देंगे 250 मिली का। 0 से 0 कट जाएगा, 25 का भाग 100 में देंगे, 25 चौका 100 और 4 के पीछे 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 40 थैली या 40 थैलियां। तो कितनी थैलियां पैक की जा सकती है? थैलियों की संख्या ज्ञात करनी है तो कितनी आई? 40 थैलियां। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हम ये लिख देंगे यहां पे आंसर, कितनी थैलियां? 40 थैलियां। समझ में आ गया? यानी 10 लीटर दूध की मात्रा में से 250 मिली दूध की 40 थैलियां पैक की जा सकती है। ये था सवाल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4। 200 लीटर तेल के एक ड्रम में से 5 लीटर के 10 डिब्बे, 3 लीटर के 20 डिब्बे तथा 2 लीटर के 15 डिब्बों में तेल भरा जाता है। शेष तेल में से 1 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकेंगे? चलिए विद्यार्थी हम इसे हल कर लेते हैं। 200 लीटर तेल का एक ड्रम है, इसमें से 5 लीटर के 10 डिब्बे, कितना हो जाएगा? 5 लीटर के 10 डिब्बे, तो कितना हो जाएगा? 5 × 10, 5 × 10 = 50 लीटर, 50 लीटर इसमें भर दिया। इसके बाद में 3 लीटर के 20 डिब्बे, 3 लीटर के 20 डिब्बे, तो कितना तेल हो जाएगा? 3 × 20, 20 × 60 लीटर, और 2 लीटर के 15 डिब्बे, 2 लीटर के 15 डिब्बे, तो यानी 2 × 15, 15 × 30 लीटर। अब इतना तेल तो भर दिया, अब उसके बाद में शेष तेल को 1 लीटर के कितने डिब्बों में भरा जा सकेगा, यानी अब शेष कितना बचा? कुल तेल कितना था? कुल तेल बराबर 200 लीटर, कुल तेल 200 लीटर था, उसमें से इतना भर दिया, अब शेष कितना रहा? तो हम शेष तेल ज्ञात करेंगे। कुल तेल 200 लीटर, उसमें से अब ये कितना हुआ, इनकी हम जोड़ कर देंगे, 0, 5 और 6 11 और 3 14, 140 लीटर। 200 में से हम 140 लीटर घटा देंगे तो बचा कितना? 0 में 0 घटाए 0, 0 में 4 नहीं कटेगा, यहां से उधार लेंगे, यहां बचेगा 1, यहां हो जाएगा 10, 10 में 4 घटाएंगे 6 और 1 में से घटाएंगे 0, यानी कितना? 60 लीटर। अब 60 लीटर को 1 लीटर के कितने डिब्बे में भरेंगे? शेष तेल 60 लीटर को 1 लीटर के 1 डिब्बों में भरने पर, तो यानी कितना? 60/1 = 60 डिब्बे।
कितने होंगे? 60 डिब्बे, और यह हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। यानी जो 60 लीटर तेल बचा उसे एक एक लीटर के कितने डिब्बों में भर सकते हैं? 60 डिब्बों में हम उस तेल को भर सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 4। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 4 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है, 1 से 1/2 लीटर मात्रा से मिलीलीटर धारिता के 3 पात्र पूरे भरे जा सकते हैं। अब देखिए 1 से 1/2 यानी 1.5 लीटर, 1.5 लीटर में कितनी मात्रा होगी? 1500 मिलीलीटर। कितनी होगी? 1500 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और आधे में 500 यानी 1500 मिलीलीटर होगा। उसमें 3 पात्र भरने हैं, 3 का भाग 15 बनेंगे, 3 × 5 = 15, तो कितना आ जाएगा? 500 मिलीलीटर धारिता के 3 पात्र पूरे भरे जा सकते हैं। यानी 1 से 1/2 लीटर मात्रा से 500 मिलीलीटर धारिता के 3 पात्र पूरे भरे जा सकते हैं। यह था पहला। दूसरा है, 500 मिली मात्रा को बाहर लेने पर 1 लीटर का पात्र पूरा भर जाएगा। 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर। 1 लीटर बनाने के लिए कितनी बार लेना पड़ेगा? 500 मिलीलीटर, 2 बार। क्या लिखेंगे? 2 बार। 500 मिली मात्रा को 2 बार लेने पर 1 लीटर का पात्र पूरा भर जाएगा। अगला है तीसरा, 40 रुपए प्रति लीटर की दर से 2 लीटर 250 मिली दूध का मूल्य रुपए होगा। अब आप देख सकते हैं 40 रुपए प्रति लीटर की दर से 2 लीटर का कितना हो जाएगा? 40 और 40 80, और 250 मिलीलीटर यानी लीटर का चौथा भाग यानी पाव। पाव के कितने लगेंगे? लीटर के 40 है तो पाव के कितने लगेंगे? 10 रुपए। कितना हो जाएगा? 80 और 10 90 रुपए। कितना होगा? 90 रुपए होगा। चौथा है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? ये मैंने पहले भी बताया, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। हम यहां लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ये आपके इसका आंसर होगा, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है जबकि टंकी के नीचे लगा नल उस टंकी से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरे तथा नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकाले तो 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली हो? चलिए विद्यार्थी हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। पहले इसका समझ लेते हैं। जैसे कि एक टंकी है, ये इस प्रकार से एक टंकी है, एक नल ऊपर से इसमें पानी भर रहा है और एक नल नीचे से पानी निकाल रहा है। अब ये जो पानी भर रहा है, ये नल 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है? ऊपर वाला नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरता है। 1 घंटे में 25 लीटर, और नीचे वाला जो नल है वह 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकालता है। 1 घंटे में 10 लीटर ये बाहर निकाल रहा है और ये भर रहा है। तो ये कह रहा है 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी यदि प्रारंभ में टंकी बिल्कुल खाली है, तो 4 घंटे में इस टंकी में कितना पानी होगा ये हमें बताना है। तो विद्यार्थियों 4 घंटे में पानी कितना होगा और पानी कितना निकलेगा ये हम इसमें से घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 घंटे में
पानी भरेगा, या यू लिख सकते हैं ऊपर वाला नल, 4 घंटे में ऊपर वाला नल पानी भरेगा, 1 घंटे में कितना भरता है? 25 लीटर। तो 4 घंटे में कितना भरेगा? 25 का गुणा 4 से कर देंगे, 25 चौका 100 लीटर। यानी जो ऊपर वाला नल है वे 100 लीटर पानी टंकी के अंदर डालेगा, और 4 घंटे में नीचे वाला नल पानी बाहर निकालेगा, कितना पानी बाहर निकालेगा? 1 घंटे में वह 10 लीटर पानी बाहर निकालता है, 4 घंटे में कितना निकाल देगा? 10 चौका 40 लीटर। अब 100 लीटर इसने भरा, 40 लीटर इसने निकाल दिया, अब बचा कितना? तो हम लिख सकते हैं अतः 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा 100 लीटर पानी भरा, उसमें से 40 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। अब कितना बचा? 100 में से 40 घटा लो, कितना आता है? 60। तो 60 लीटर पानी उस टंकी में भरेगा 4 घंटे बाद। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, समझ में आ गया। ये था सवाल नंबर 6। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक सभी सवालों को आसान तरीके से समझा। आप भी इनको समझ करके इनका अभ्यास कीजिए, और भी आप गणित में अधिकतम अभ्यास करते रहें, वो भी समझते हुए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज की क्लास का वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।